रजिया खाल है, पड़ोस से आया। अस्सलाम वालेकुम। हलीमा जाके कुर्सी लेके आओ। वो आज घर में न्याज पकी थी, वो देने आई। रजिया खाला को इनसे दूर रखना है, अगर ये इनकी हमदर्द बन गई ना तो इनके सारे बिगड़े काम बन जाने, फिर हमारा कोई काम नहीं बनेगा। कुछ करना पड़ेगा इस रजिया खाला को। कर ना। अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ गुस्सिया बहन बैठो। अच्छा हुआ आज आप मुझे मिल गए, मैंने तो बड़े चक्कर लगाए आपके ऑफिस के, कल और परसों भी आई थी मैं। अरे बैठो तो सही। उस्मान, उस्मान। जी सर। चाय लेके आओ अच्छी सी। जी सर। मुझे पता है तुम क्यों आई हो, देता हूँ अभी तुम्हारा कमीशन। हाय हाय नहीं एहसान साहब, मैं पैसे लेने नहीं आई। अच्छा फिर बताओ क्यों आई हो। वो ना एक बड़े अमीर घराने का रिश्ता करवाना है, बड़े करोड़पति लोग हैं, ये मैं ना लड़की की तस्वीर ले आई हूं, देखें। करोड़पति लोग हैं, करोड़पति अपने ही लेवल के घर का रिश्ता मांगते हैं, अगर हो गया तो ठीक ठाक कमीशन मिलेगा। लड़की की उम्र कुछ ज्यादा नहीं है भाई, इसीलिए तो कह रहे हैं कि रिश्ता हो गया तो बड़े ठीक ठाक पैसे मिलेंगे हमें। ठीक है मैं फोन करता हूँ तुम्हें फिर कल। हैं? अच्छा मैं चलती हूँ जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो कुत्सिया बहन। जी। चाय आ रही थी, आप जरा बैठे ना। ऐसे ही चाय को तो आपने तकल्लुफ ही किया है। उस्मान। जी सर। क्या हुआ, वही चाय का ले आओ, ले आओ चाय दो। अच्छा कुर्सी अपन काम आजकल कहाँ कर रही हैं आप? एहसान साहब बड़े भले लोग हैं, इतना ख्याल रखते हैं, आपको तो पता है ना मेरी आदत नहीं है इधर की बात उधर उधर की इधर करने की, भाई बड़े एहसास करते हैं मेरा। तुम जहाँ पहले काम करती थी, जहाँ बताया था तुमने कि वहाँ की मालकन बड़ी अखड़ है। आए, आए, वो राफिया बेगम, तौबा तौबा खुदा बचाए उससे तो। अच्छा वहाँ किसी को काम पे रखवाना हो तो हो जाएगा? हाय हाय कैसी बातें कर रहे हैं एहसान साहब, कोई दुश्मन है जिसको काम दिलाना है? दुश्मन ही समझो। मैं समझी नहीं एहसान साहब। मैं समझाता हूँ ना। ठीक है पहले के काम करती है? नहीं लेकिन इनकार नहीं करेगी। लेकिन ये बताए ना एहसान साहब, वो राफिया बेगम के घर की इतनी मुश्किलात झेल लेगी वो? अब ज्यादा सवाल ना करो, जितना कहा गया है ना उतना करो, और उसे बड़े तरीके से बताना है कि मैंने तुम्हें उनकी मदद के लिए भेजा है। ना फिक्र ही ना करें, बस आप ना मुझे उसका पता दे दें। मैं पता अभी दे देता हूँ तुमको। अम्मी जान कहाँ गई थी आप? आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं, बताइए ना अम्मी जान। क्या बताऊं तुझे, कितनी मजबूर हूं मैं। नहीं हम मजबूर नहीं हैं, रिस्क देने का वादा तो अल्लाह ने किया है, अगर वो एक दर बंद करता है वो हमारे लिए कोई दूसरी राह जरूर निकालेगा। अब कहां से कोई राह निकलेगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला सिलसिला तो अब नहीं हो सकेगा। तो फिर क्या हुआ, मैं किसी स्कूल में टीचर लग जाऊंगी। हाँ कल ही जाके नौकरी तलाश करती हूँ। नहीं
बिल्कुल नहीं। क्यों अम्मी जान, जब मैं कर सकती हूं तो क्यों नहीं? कहा ना नहीं, तू नहीं जानती बाहर गिद मंडा रहे, तू निकलेगी तो तुझे नोच डालेंगे। तो फिर कैसे करेंगे हम गुजारा? अभी मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं मैं। सालिया बहन। जी जी, आप कौन? मैं जी कुदसिया। जी, वो ना मैंने आपसे को बात करनी थी जरूरी। जी आइए। ना मुझे ना किसी ने बताया था कि आपके बहुत ही बुरे हालात हैं, तो इसीलिए मैं आई हूँ। घबराए ना जी, मैं भी लोगों के घरों में काम करती हूँ, अगर किसी कोठी में काम दिला दूँ तो करोगी? आपको किसने बताया? एहसान साहब ने, आपके जानने वाले हैं ना। बहन क्या हुआ, घबराए ना, मेरी आदत नहीं है इधर की बात उधर और उधर के इधर लगाने की। वैसे ना एहसान साहब ने मुझे मना किया था कि मेरा ना बताना, बड़े ही भले इंसान है भाई, मुझ पर तो उनके बड़े ही एहसान है। देखिए, हमें ऐसा कोई काम नहीं करा। मासूमा चुप कर तू, आप आए अंदर बैठे तो सही। हाय बहन, कहाँ फुर्सत है बैठने की, अगर काम का इरादा हो तो बहुत बड़े घर में काम दिला सकती हूँ। क्या अभी चलना होगा? हाँ, तो और क्या, मेरे पास कहाँ वक्त है, मैं तो 10 काम छोड़ कर आई हूँ। अच्छा मासूमा चल, तू भी चादर लेकर आ। मगर अम्मी जान, मैंने कहा ना चादर लेकर आ, तू चल जा। तू जाके खाला के लिए शरबत लेकर आ। तुझे छुट्टी चाहिए होती है, कभी माँ भी मार है तो कभी बीवी भी मार है, कभी बच्चे को कुछ हो गया है। दिल तो करता है गमला उठा के तेरे सर पे मार दूं, सारे पौधे मुरझा गए हैं। सीधी तरह काम करना है तो करो, नहीं तो दफा हो जाए यहां से। तुम किधर से आ गई हो? अच्छा जाओ अपना काम करो, दफा हो। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम, तुम कहां से आ गई हो आज? वो जी, मैंने कहा जरा आपका हालचाल पूछती जाऊं। 2 महीने तुझे ख्याल नहीं आया मेरा, बताए बगैर गायब हो गई थी। वो पता क्या बीबी जी, आपको तो पता ना मेरी आदत नहीं झूठ बोलने की, ना इधर की उधर लगाने की। मेरी ना नंद फोत हो गई थी, हम लोग गांव चले गए थे, वो ना पूरे 2 महीने के बाद वापस आई हूँ, और शर्मिंदगी की वजह से मैं मिलने नहीं आई जी आपको। ये ना सोचा कि मेरा क्या होगा, कितनी मुश्किल से गुजारा किया मैंने। माफ कर दे जी, एक बार ये बताए आपने को काम वाली रख ली है? रखी थी एक, चली गई वो भी कम वक्त तेरी तरह। अच्छा तो आप फिक्र ना करे जी, मैं लेके आई हूँ, बहन है मेरी। चोरनी तो नहीं है? नहीं जी नहीं, बहुत अच्छी है जी, सालिया नाम है इसका। इसके मुंह में जबान नहीं है? 5,000 महीना दूंगी, बोलो मंजूर है? इसको सारा काम अच्छी तरह समझा दो, काम चोरी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आ जाना सुबह 9 बजे, देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, मैं इसे सारी बात समझा दूंगी जी, आप फिक्र ही ना करें, ये वक्त पे आ जाएगी जी, देर नहीं करेगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज जी। ना देर से आने वाले बहुत ही बुरे लगते हैं, और सफाई पसंद इतनी है कि जरा सा भी कहीं गंद रह जाए ना तो पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। अच्छा वो कुछ पैसे मिल जाएंगे एडवांस? ना 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 ना, कभी भूल कर भी एडवांस पैसे ना मांगना, अगर तुमने मांग लिए तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगी। वैसे अगर 100-50 चाहिए तो मुझसे ले लो। नहीं नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत। ए, मेरी बात सुनो, अगर तुम कहो तो मैं एहसान साहब से दिला दूं। नहीं नहीं, रहने तो बस, ठीक है चलो जैसे तुम्हारी मर्जी।
वो मैं ये कह रही थी कि किसी दुकानदार से राशन उधार ले दो मुझे, भूखे तो लगी गई, अब तो मैं हर महीने उसको पैसे चुका दिया करूँगी। देखो बहन, एहसान साहब ने मुझे इतने कहा था, मैं उनसे बात कर लूँ तो फिर बता देती हूँ। हाँ कुसिया बहन, क्या बना मेरे काम का? वो ना मैंने सालिया को काम दिला दिया है। वो तुम्हारे पास ही है? हाँ जी हाँ जी, मेरे पास ही खड़ी है। एहसान भाई, वो कह रही है कि मुझे ना दुकानदार से राशन उधार ले दो। जो कहती है जितना कहती है दिला दे, वो पैसे नहीं दे सकी तो मैं दे दूंगा। ठीक है जी, फिर तो मसला ही हल हो गया। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करती हूँ जी। अल्लाह हाफिज जी। लो जी, मैं ना कहती थी एहसान भाई बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं जितना मर्जी राशन दिला दो है, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। वो कहते हैं अगर तुमने ना भी ना लुटाए पैसे तो मैं दे दूंगा। चलो मैं तुम्हें राशन दिलाती हूँ। अम्मी जान पानी। अम्मी जान वो दाल कैसे बनेगी? तू रहने दे, मैं खुद बना लूंगी। तू जाके आटा गूंध रोटियों के लिए। चाय पियो। अली, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बेगम फिर से रास्ते पे आ जाएगी? तू नहीं समझेगी मेरी गेम। मैं बेगम को अपने एहसानों के बोझ तले दबा रहा हूँ। एक दिन ये बोझ इतना बढ़ जाएगा कि बेगम उठ नहीं सकेगी, दब जाएगी मेरे एहसानों के बोझ तले, फिर वो मुझे अपनी तकदीर का मालिक बना देगी। ओए होए 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 आलिया जानी, मजा आ गया तेरे हाथ की चाय का। ईमान से अम्मी जान, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या बताओ मुझे, क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया था कि आपने एहसान अंकल और उनके मेहमान को धक्के धक्के घर से निकाल दिया? कुछ नहीं हुआ तो आप रो क्यों रही हैं? हाँ रो रही हूँ मैं, रो रही हूँ अपने नसीबों को, रो रही हूँ तेरे बाप को जो हमें यहाँ दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया। जा, जा चली जा तू भी, चली जा, चली जा। तुम यहाँ पर पढ़ रही हो, मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रही थी। क्यों, क्या हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रही मासूमा, उस दिन अम्मी जान ने एहसान अंकल को घर से क्यों निकाला था, और अगर निकाला भी था तो अब उनके एहसान क्यों ले रही हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही
कि एहसान अंकल इतना जलील होने के बावजूद हम पे इतने एहसान क्यों कर रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अम्मी जान मुझ पे क्यों बिगड़ी और फिर खुद ही आके मुझे गले लगा लिया। ये सब क्या चल रहा है हलीमा? तुम इतना शुक्र करो कि तुम्हारी उस बुढ़े से शादी नहीं हो गई। अच्छा बातें बंद करो और मुझे पढ़ने दो। तुम तो ऐसे किताब को पढ़ रही हो जैसे कोई डाइजेस्ट पढ़ रही हो। 2 घंटे में तुमने आधी किताब पढ़ ली है। तुम्हें कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं? ये दोनों किताबें मुझे कल तक वापस करनी है, फिर मुझे और किताबें लेनी है, इसीलिए फिर जल्दी जल्दी तो पढ़नी पड़ेंगी। अम्मी जान आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ वो एक नौकरी का पता चला है, बस उसी के लिए जा रहे हैं। वही काम जो उस औरत ने दिलाने को कहा था? अम्मी जान अब आप लोगों के घर जाके काम करेंगी? तो क्या करूं, वही करूंगी जो आता है। मैंने तो आपको कहा था कि मैं स्कूल में टीचर लग जाऊंगी, अगर आपने मेरी बहस मत कर मासूमा। ये सब कुछ मैं तुम दोनों के लिए कर रही हूँ, ये सब मुसीबतें ये मुश्किलें तुम लोगों के लिए झेल रही हूँ। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो ये घर कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होगा, और ये राशन के इतना पैसा कौन चुकाएगा? हाँ बता मुझे। अम्मी जान मुझे कोचिंग क्लासेस के लिए किराया देती जाए। कोई पैसा नहीं मेरे पास, ना पढ़ाई के लिए ना कोचिंग के लिए, बस बहुत हो गया। मगर अम्मी जान बकवास बंद कर, कहा ना कोई पैसा नहीं, चल जा कोई काम कर। दरवाजा बंद कर लेना। हलीमा हलीमा मत रोना, अब तो इन हालात का सामना हमें मिलजुल कर करना है। और तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे पास किताबें हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगी, हम दोनों मिलके प्राइवेट एग्जाम्स देंगे। भाई दरवाजा खोलना। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। आ गई महारानी, पहले ही दिन तुम देर से आई हो, कहा भी था वक्त पे आना। वो बीबी जी बस नहीं मिली थी, मैं पैदल आई हूँ। एहसान नहीं किया मेरे पे पैदल आके, पैदल आना तो घंटा पहले घर से निकलती। मेरे साथ ये हीले बहाने नहीं चलेंगे, कल अगर देर से आई ना तो बाहर की बाहर ही चले जाना, अंदर आने की जरूरत नहीं है। मेरा मुँह क्या देख रही हो, चल काम पे लगो चलो। अरे जरीना जल्दी हाथ चला, मेहमान आने वाले। तौबा है, एक तो ये नवाब साहब भी एन वक्त पे बताते हैं कि मेहमान आ रहे हैं। होगी सफाई? जी मेरे ख्याल में थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है, खाना पक गया? जी चार डिशें बन गई, बस कोरमा 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। और सलाद बनाया? रायता सलाद सब तैयार है। अच्छा ठीक है चल तू जाके चलूंगी। कुछ नहीं, बस जा जा। लो चली आ रही है अब।
सलाम बेगम साहिबा। सदके जाऊं तेरे सलाम के, तुझे पता था घर में मेहमान आ रहे हैं और तू अब आ रही है। बेगम साहिबा मेरा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था। तो क्या हाल है उसका, कैसा है अब? मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी उसको मरहम पट्टी के लिए। तो छोड़ के कहाँ है उसको? अब मैं उसको दादी के पास छोड़कर आई हूँ। लो बताओ, दादी अपना आप नहीं संभाल सकती, बच्चा कहाँ संभालेगी? जा उसके पास जा। बहुत मेहरबानी बेगम साहिबा, मगर घर का काम। अरे छोड़ काम को, कर लूंगी मैं काम, तेरे से का काम मैं खुद कर लूंगी। चल जा, चल जा। बहुत मेहरबानी बेगम साहिबा। तौबा, अल्लाह भी पर्दे भी बदल ले। जी कहिए। वो किताबें मैं आपको लुटा दूंगी, आपके पास कुछ नोट्स हैं, मुझे चाहिए। नोट्स एक्चुअली मेरा एक दोस्त लेकर गया हुआ है फोटोकॉपी करवाने के लिए, मैं कल दे दूं आपको? ठीक है, कल मैं इसी वक्त आऊंगी। सुनिए जी, वो आपका नाम क्या है? मासूमा। एक्सक्यूज मी जी, बड़ा अच्छा नाम है आपका, काफी सूट करता है आपको। वैसे आप भी अपने नाम की तरह बहुत मासूम हैं। खाला। वालेकुम सलाम। और बताओ, वो बच्चों को उठा लिया ना ट्यूशन से? हाँ बेटा, मैं तो उन्हें उसी वक्त वापस ले आई थी। इतने क्या पढ़ेंगे, वो तो वही तालीम देंगी ना जो वो खुद करती हैं। बिल्कुल ठीक किया खाला आपने, अब देखो ना वही हो रहा है जिस बात का डर था। क्या मतलब कबीर बेटा? अब मैं क्या बताऊँ खाला आपको, वो रोशन है ना मास्टर साहब का बेटा। हाँ हाँ, तो वो मास्टर न्यास की बात कर रहे हैं ना? आजकल उसको खराब कर रही हैं वो। मैं समझी नहीं, कैसे खराब कर रही हैं? खाला, वो ही मासूमा छत पे चढ़कर घंटों रोशन से बातें करती रहती है। हाय मेरे खुदाया। हाँ वैसे तुझे कैसे पता है कि वो छत पे चढ़ के बातें करते हैं? अरे खाला, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरे घर की छत से साफ नजर आता है। अब मैं परेशान इस बात पे हो रहा हूँ, मास्टर साहब जरा शरीफ इंसान है, ख्वाम खाम में बदनामी का दाग लग जाएगा उन पर। कबीर बेटा, कोई तरकीब निकालो ऐसे गंदे लोगों को मोहल्ले से निकलवाने के लिए। ना खाला, मैं तो कहूँगा चुप ही रहो, गंदे लोग हैं, इनके खिलाफ बात करेंगे तो गंद हम पे ही उछलेगा। मैं तो चाहता हूँ कोई जाकर खुद ही मास्टर साहब को बता दे। मास्टर साहब अभी तो घर पे नहीं होंगे, शाम को मैं जाती हूँ और मैं मास्टर साहब को बताती हूँ ये सब। अच्छा बेटा, ये घर जाके सब्जी बनानी है, मैं जाती हूँ। ठीक है खाला। वैसे एहसान साहब, एक बात है, एक बार ये बेगम हमारे हत्थे चढ़ गई ना, फिर जो उसकी बेटी है ना मासूमा, सोने की चिड़िया है हमारे लिए, सोने की चिड़िया। ओए ऐसे ही नहीं, इतनी मेहनत और पैसा खर्च कर रहा हूँ मैं तो, हराम काम को हलाल करार देने के जवाब ढूंढता रहता हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रजिया बहन। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी बस। हाँ हाँ जरूर करें। मुझे आपके घर के पास जो लोग रहने आए ना, हाँ वो बड़े खतरनाक लोग हैं। ATV, सारे रंग हमारे।